जम्मू कश्मीर में हुए G20 के सम्मेलन पूरी तरीके से सकुशल संपन्न हो गया है और भारत का जो एजेंडा था वो भी पूरी तरीके से लागू हो गया और मोदी सरकार की जो जम्मू कश्मीर में G20 कराए जाने की कूटनीति थी वो भी पूरी तरीके से कामयाब हुई है। लेकिन मुस्लिम देश वो शुक्र मनाए जिस G20 में पाकिस्तान का साथ देकर भारत को आईना दिखाया। भारत को आईना दिखाने वालों का हिसाब किताब अब मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है। सबसे पहला और हिटलिस्ट नाम है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहे पर भारत और जम्मू कश्मीर में G20 में विवादित क्षेत्र बताते हुए बायकॉट किया था, यानी एक तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और G20 में सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देश जो है वो इसे बायकॉट किया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने सऊदी अरब को कूटनीति के जाल में फंसा कर तगड़ा झटका देना शुरू कर दिया है और सऊदी अरब को मोदी ने बता दिया कि भारत का बायकॉट मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब मोदी सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाला है रूस से मिलकर के, जिससे सऊदी अरबिया का बादशाहत जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। अब सऊदी अरब की बादशाहत धीरे धीरे मोदी सरकार और भारत रूस से मिलकर ख़त्म करने की तैयारी में लग गया है। दरअसल आपको बता दें G20 बड़ी तेज़ी के साथ चला, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का रोना रोया और पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर में G20 का सम्मेलन ज़्यादा देश खास करके इस्लामिक देशों से के सामने उन्होंने गड़गड़ाया था और इस्लामिक देशों में खास करके तुर्की ने, सऊदी अरबिया, इजिप्ट जैसे देशों ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए चीन की तरह यहाँ नहीं आए। लेकिन अब भारत ने जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे समझ में आ गया कि आखिर कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। इसी में सऊदी अरबिया है जो जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का समर्थन कर देना अब उसे भारी पड़ गया है। अब मोदी सरकार ने रूस से मिलकर के एक नया फंडा शुरुआत कर दिया है। दरअसल तेल की दुनिया में सऊदी अरब का शुरू से ही दबदबा रहा है, लेकिन ये बादशाहत जो है वो अब खतरे में जाती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन से जंग के बाद रूस धड़ल्ले से दुनिया के उन देशों को अब तेल बेच रहा है जो सऊदी अरबिया से महंगा है। सऊदी अरबिया से महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर थे। अपने ग्राहकों को टूटता और रूस की ओर जाता देख सऊदी अरब बौखला गया है। आपको बता दें सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी के पास तेल का अकूत भंडार है, लेकिन जब यूक्रेन से जंग हुई और अमेरिका व पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद से ही रूस सस्ती दरों पर भारत, चीन और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों को धड़ल्ले से कच्चा तेल बेच रहा है। आबादी अधिक होने के कारण इन देशों, दोनों देशों से तेल की खपत सबसे ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से एशियाई के ऑयल मार्केट में अपना कब्जा जमा रहा है वो सीधे तौर पर सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी अरब पिछले कुछ दिनों से छोटे मोटे तेल विक्रेताओं को कम कीमत में तेल नहीं बेचने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन अब इसी पूरे मामले में जो है भारत सरकार ने तगड़ा कदम उठाते हुए छोटे छोटे देशों को जो है वो तेल निर्यात करना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी तक क्या हो रहा था कि भारत स्वयं तेल खरीद रहा था, लेकिन अब भारत ये करने जा रहा है कि रूस से तेल खरीद करके रिफाइन करके वो छोटे छोटे देशों को भी देगा। जी हाँ, अब सबसे तगड़ा झटका देने वाला है ये, क्योंकि तेल बादशाहत में ही सऊदी अरब ने पूरे सऊदी अरब को बदल दिया, ये हम सब जानते हैं। तेल से उसने किस तरीके से सऊदी अरब को कहां से कहां तक बना दिया, लेकिन अब इसी तेल के जरिए इसी न्यू पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। वो कैसे, समझिए। सऊदी अरब पिछले कुछ दिनों से छोटे मोटे तेल विक्रेताओं को कम कीमत में तेल नहीं बेचने की लगातार एक तरफ धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ रशिया भारत को बड़े पैमाने पर तेल दे रहा है। रूस ने ये खुली छूट भारत को दे रखी है कि आप चाहे जितना तेल लीजिए हम कम कीमत पे देंगे और रुपया में भी व्यापार करने को तैयार हैं। यानी भारत के कह सकते हैं कि भारत जो जो कह रहा है वो सभी तमाम शर्तें रूस मान करके भारत को तेल दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे रूस की कहीं ना कहीं आप मजबूरी भी समझ सकते हैं। लेकिन अब भारत इसका फ़ायदा उठाते हुए 440 वोल्ट का झटका सऊदी अरब को देगा, क्योंकि अब और बड़े पैमाने पर तेलों को आयात करेगा भारत और इन्हीं तेलों को रिफाइन करके, यानी एक अपने अलग अंदाज में करके इन्हें उन देशों को बेचेगा, छोटे छोटे देशों को जो सऊदी अरब से अभी छोटे छोटे देशों से तेल खरीद रहे हैं। तो सीधा ये कह सकते हैं कि लगभग एक दर्जन ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं जो थोड़े थोड़े कम कम तेल जो है वो सऊदी अरब से खरीदते हैं, लेकिन सऊदी अरब के जो नियम और कानून होने की वजह से
उनको बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और तेल के दाम भी सऊदी अरब एकदम आसमान छूती आसमान इस तरीके से देता है कि आसमान छू रहे होते हैं। इसी को लेकर जो है वो अब एक बड़ी खबर निकल के आई है, तेल के खेल में अब रूस सऊदी अरब के लिए खतरा बन रहा है, भारत बन रहा है। अब एक नई रिपोर्ट आ चुकी है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, असली मुद्दा यह है कि सऊदी अरब एशियाई देशों को तेल बेचने से रूस को रोकने की पूरी तैयारी कर रहा है, एशियाई देशों को रूस को रोक सकता है क्योंकि रूस जो कर रहा है वो सऊदी अरब के लिए खतरा है। रूस अपना तेल एशियाई देशों को कम दाम में बेच रहा है, जो एशिया के प्रमुख तेल निर्यातक देश हैं जिनको जिनसे भारत संपर्क में है, सऊदी अरब के तेल की प्रीमियम कीमत को कम कर रहा है। भारत रूस के जरिए मिल करके कम दामों में बेच करके सऊदी अरब को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। जंग से पहले आपको बता दें भारत ऑयल मार्केट में रूस का योगदान केवल 1% था, लेकिन जंग के बाद से भारत 80% तेल रूस से खरीद रहा है और इराक और अरब की बजाय रूस पिछले 7 महीने से नंबर 1 पर पहुंच गया है। अब आप समझिए, जहां जंग से पहले यानी ईरान से यूक्रेन से जंग से पहले भारत ऑयल मार्केट में रूस का योगदान केवल 1% था, लेकिन जंग के बाद से भारत 80% तेल रूस से खरीद रहा है। ऐसे में समझ लीजिए कि रूस और भारत की दोस्ती किस कदर बढ़ गई है और कैसे मुस्लिम देशों को ठिकाने के लिए मोदी और पुतिन ने कमर कस ली है और खेल शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1% पहले रूस से लेते थे, बाकी सऊदी अरबिया से लेते थे, तो इतना तेल जा कहाँ रहा है? तो इसके पीछे सिंपल सा फंडा भी हमने आपको 1 मिनट पहले बताया और अब ये एजेंडा पूरी तरीके से उन छोटे छोटे एशियाई देशों को बेचने की होगी। भारत रूस से सस्ते दाम में तेल खरीदेगा, थोड़ा सा रिफाइन करके अच्छे दाम में एशियाई देशों को बेचेगा और ख़ास करके एशियाई देशों में छोटे छोटे जो देश हैं उन सभी को तेल बेचेगा। और ये जो एशियाई देश जो अभी तक सऊदी अरब से तेल ले रहे थे वो भारत से तेल लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं रूस के सऊदी अरबिया के लिए तगड़ा झटका होगा। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जिस तरीके से G20 में सऊदी अरब ने बायकॉट किया था, अब इस बायकॉट का नतीजा आपने देख लिया। इस बायकॉट का नतीजा ये हुआ कि लग गया है सऊदी अरबिया को 440 वोल्ट का झटका और 24 से 48 घंटे के अंदर मोदी सरकार की कूटनीति में फंसता नज़र आ रहा है सऊदी अरब। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल मुस्लिम देशों का काट मोदी सरकार को निकाल लेना चाहिए, मुस्लिम देशों पे आत्मनिर्भरता भारत को कम करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप जम्मू कश्मीर में जो G20 हुआ इसे अगर आप सफल मानते हैं और मानते हैं कि मोदी और भारत की जो कूटनीति थी जम्मू कश्मीर को अपना दिखाने की